मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज भारत। आरजे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में साउल काउंसिलिंग बोर्ड ने त्रिपुरा में हुई घटना को लेकर दिया ज्ञापन। आपको बताते चलें कि एम राष्ट्रीय सह समाज फाउंडेशन इंडिया साउल काउंसिलिंग बोर्ड की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत नासिर अली साह के आह्वान पर बोर्ड की जानिब से पूरे भारत से जनपद बरेली जिला कलेक्टर में महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में त्रिपुरा में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हो रहे उत्पीड़न का विरोध करना राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हमारे संगठन पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है। सामाजिक कार्य गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। वहीं भारत में सभी धर्म का सम्मान करते हैं। इसको लेकर धर्म के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर संगठन ने राष्ट्रपति के संबोधित ज्ञापन भेजा। जी, मेरा नाम नासिर अली शाह है और मैं एम राष्ट्रीय फाउंडेशन इंडिया और शाह उलमा काउंसिल बोर्ड का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। हमारा दो मांग हम लेके आए हैं आज कलेक्ट्रेट पर, जिला कलेक्ट्रेट पर। एक तो राष्ट्रपति जी के नाम कि जो त्रिपुरा में जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी गलत घटना हुई है। हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया गया है और कुरान मजीद को वहाँ जलाया गया। जो घटना आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुँच रही है उसकी कड़ी मरम्मत करते हैं हम लोग। ऐसी भविष्य में घटना ना हो, हम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि वहाँ पूरी जांच कराई जाए, जांच करके और जांच जो दोषी हैं उन दोषियों को सजा दी जाए और जो वहाँ पर नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कराई जाए। और दूसरा, हम कासगंज में एक लड़का है चांद मियाँ अल्ताफ उर्फ अल्ताफ, उसकी पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई है। उसके पिता के अनुसार का कहना यह है कि कुछ पुलिस वालों ने मारा है या कुछ किसी कारण वो मर गए हैं और कुछ किसी भी कारण रहा हो हमें तो सच्चाई नहीं मालूम। मगर उनके वालिद के कहने के अनुसार हम उसकी जांच करने कराने के लिए आए हैं, क्या उनकी जांच कराई जाए और जांच कराकर जो निर्दोष हैं उसको सजा दिलाई जाए और 50 लाख रुपए का उनका मुआवजा दिलाया जाए, एक सरकारी नौकरी दिलाया जाए उसको उनके लिए। इसलिए हम लोग आज राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। आप सब जिले की टीम